हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर न्यूटन की द्विघात प्रमेय के बारे में बताऊंगा दोस्तों, न्यूटन्स बायनोमियल थ्योरम। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूटन्स बायनोमियल थ्योरम की। अभी हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को पढ़ा था और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूटन की बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए, न्यूटन का जो बायनोमियल थ्योरम है द्विपद प्रमेय है वो क्या है वो हम देखेंगे। इन्होंने जो है द्विपद प्रमेय को एक नए फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उनमें और विशेष कुछ प्रॉपर्टियां दी इन्होंने, जैसे उसके द्विपद के गुणांकों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं द्विपद प्रमेय इन्होंने कौन सी वाली दी है, क्या दी है उसको देखते हैं हम। इन्होंने यहाँ पर दो नंबर लिए, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी दो पद लिए, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स और वाई दो पद लिए यहाँ पे। और एक्स और वाई किस तरह के, यहाँ पे ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं आर में, रियल नंबर। यहाँ पर आर जो हमारा है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का सेट है हमारा आर ये। तो एक्स और वाई भी यहाँ पर आर में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस तरह की हैं। और जब इन दोनों का ऐड करके एक्स प्लस वाई करके इसकी कोई घात एन लें तो ये जो है इसका जो एक्सपेंशन होता है उसको उन्होंने यहाँ पर बताया कि इक्वल टू 0 से लेके एन तक यहाँ पे जाएगा, ये लिमिट जाएगी के की, यहाँ पर लिमिट 0 से लेके एन तक जा रही है। और यहाँ पर ये जो चिन्ह है हमारा ये योग का है, योग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन सी के और एक्स की पावर एन माइनस के और वाई की पावर के। तो ये इन्होंने यहाँ पे थ्योरम दिए, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम होगी न्यूटन की। यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई क्या है, दो वास्तविक संख्या हैं, दो पद हैं और जिसकी घात एन है। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमें इस तरह की एक यहाँ पे इसके एक श्रृंखला मिलती है, जिसका विस्तार रूप मिलता है, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में समेशन ऑफ एन सी के एक्स की पावर एन माइनस के और वाई की पावर के कहते हैं। यहाँ पे जो एन सी के हमारा है, एन सी के इक्वल टू हमारा जो होता है यहाँ पे कम्युनेशन है, सी मतलब कम्युनेशन अर्थात संचय। तो यहाँ पे हमारा इसका जो सॉल्यूशन होता है, एन का फैक्टर अपॉन नीचे जो है के का फैक्टर और इन दोनों का जो अंतर आएगा सबस्ट्रैक्शन करके एन माइनस के का फैक्टर, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब हमारा होता है कि लगातार टर्म को हम एक घटते हुए क्रम में गुणा करते जाते हैं। जैसे हमें निकालना है यहाँ पे टेन का फैक्टोरियल निकालना है, तो टेन का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, तो इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो ये हमारा फैक्टोरियल होता है इसी तरह से। अब आपको किसी भी नंबर का निकालना है तो आपको देखिए यहाँ पे 10 था, इसके बाद आपने एक नंबर कम किया और गुणा कर दिया, फिर एक नंबर कम किया, फिर एक नंबर कम किया, तो यहाँ लगातार कहाँ तक जाएगा, अनटिल वी गेट वन, जब तक तुम्हें एक नहीं मिल जाता तब तक आप इसको करते जाएंगे, इस प्रोसेस को। तो यही हमारा फैक्टोरियल होता है। अब देखिए, इसी को हम जो है दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। यदि हम इसको ओपन करके यहाँ पे एक्सपेंड करें तो हमें इसका एक विस्तार रूप मिलता है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई की पावर एन, इसको देखिए हम ओपन करके यहाँ पे विस्तार कर दें। यहाँ पे देखिए, हमने समीशन ये शॉर्टकट में कर रखा है, यदि हम इसको ओपन करें तो क्या मिलता है हमें। फर्स्ट में हम के की वैल्यू 0 ही शुरू करते हैं, एन सी 0, तो एन सी 0 आएगा, एक्स की पावर एन माइनस के है देखिए, तो एन माइनस 0 आ जाएगा अर्थात एन ही आ जाएगा, और वाई की पावर 0, या आप इसको लिख सकते हैं सीधे एक्स की पावर एन, क्योंकि वाई की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और फिर प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 और वाई की पावर 1, और फिर एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 और वाई की पावर 2, और इसी तरह से आप चलती जाएगी प्रोसेस। ये कहाँ तक जाएगी, एक बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपका एन सी एन आ जाएगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते एक बार आप यहाँ पे एन में पहुंच जाओगे, और उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे 0 हो गई और वाई की पावर क्या हो गई, एन हो गई। तो आपने यहाँ पे एक्स की पावर एन से शुरू किया और वाई की पावर एन में पहुंच गए, और यहाँ पर आपको एंड कर देना है, यहाँ पर आपका यहाँ पे लास्ट टर्म आएगा। तो इसी तरह से आपको किसी भी यहाँ पर बायनोमियल का विस्तार करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपसे
अक्षर इस तरह पूछा जाता है, कोई भी आपको जो है बाइनोमियल ओपन करनी है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका जो दूसरे पद का गुणांक क्या होगा या फिर तीसरे पद का गुणांक क्या होगा। जो ये हम आगे ही देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये जो सब हैं जैसे NC0, NC1, NC2, ये सब क्या हैं, बाइनोमियल के गुणांक हैं। अब हम इनको देखिए, इनको पढ़ेंगे यहाँ पे द्विपद के गुणांक। द्विपद के गुणांक क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहला वाला जो गुणांक हमारा आता है NC0, दूसरा NC1, तीसरा NC2, चौथा NC3। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे आते जाएंगे, और इनको आपको ओपन करना आता ही है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे NC0 को आपका वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जीरो का जो फैक्टोरियल होता है, देखिए यहाँ पे ये विशेष पॉइंट है, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, इसको आपको नहीं भूलना है। बहुत बार आपको क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। और जब आप जैसे NC0 को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और n-0 का फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू देखिए 1 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल ऊपर नीचे आ गया और कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म को भी निकाल सकते हैं, और ये हमें क्या मिलेंगे, इनके गुणांक मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक विशेष बात हमें यहाँ से और मिलती है द्विपद गुणांक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है हमें यहाँ पे। देखिए यहाँ पर यह पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर हमने लिखा है एक कि द्विपद गुणांकों का मान पास्कल त्रिभुज के अवयवों के बराबर होता है। तो जो द्विपद के गुणांक होते हैं, द्विपद के गुणांक जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर बताया NC0, NC1, NC2, NC3 इस तरह से, तो इनका जो मान होता है वो द्विपद गुणांकों का मान जो है पास्कल त्रिभुज के अवयवों के बराबर होता है। अब आपको पास्कल त्रिभुज के बारे में पता ही होगा, हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हम यहाँ पे एक बार बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 स्टेप उसके दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे 1 1 1 और फिर नेक्स्ट वाली लाइन हमारी आती है, किनारे वाले को 1 हम ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे नंबर लिखते हैं, और फिर इस किनारे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये देखिए पास्कल त्रिभुज का हमारे यहाँ पर रूप बनता है इस तरह से, और वैसे ही हम यदि नेक्स्ट टर्म निकालें, ये 1 का 1 उतरता है पहले और 1 का 1 उतरता है, तो इसको हमेशा आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे ये सेम उतरेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन में आएगा वो भी यहाँ पर साइड के 1 वैसे उतरते जाएंगे हर किसी लाइन में, लेकिन 20 के जो नंबर हैं वो जुड़ते जाएंगे बीच में जो आएंगे, ये 1+1 की हमने 2 आ गया। अब यहाँ पर फिर से 1 यहाँ पर उतर जाएगा अपनी जगह पर, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर जितना भी आएगा उसके ठीक बीच में यहाँ पर सेंटर से नीचे लिख देंगे, 3 आ गया, और फिर इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा नीचे लिख देंगे, अब यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर इसको 1 को फिर से आप यहाँ पे किनारे में लिख देंगे। तो इसी तरह से आप बढ़ते हुए क्रम में इनको निकाल सकते हैं, और यदि आप फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड किया 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया 4 और फिर 1। तो ये आपका इस तरह एक पास्कल त्रिभुज बनता है, देखिए त्रिभुज के शेप में मिलता है आपको। तो जो इसके अवयव हैं, अवयव क्या होते हैं, ये 1 है, ये 1 1 1 2 1 1 3 3 1, इनको जो है पास्कल त्रिभुज के अवयव बोला जाता है। और हमें यहाँ पे ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि द्विपद के जो गुणांक होते हैं वो इन्हीं के बराबर होते हैं। अब देखिए द्विपद के जो गुणांक होते हैं इनके बराबर कैसे होते हैं, जैसे हमें पहला वाला गुणांक आपको यहाँ पे ये वाला गुणांक निकालना है दूसरा वाला, तो आपको यहाँ पर अभी पता नहीं है इनको सॉल्व करने की, आपका यहाँ पे इस त्रिभुज को बना देंगे तो इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधे इनके हैंड से बता देंगे। देखिए पहले में जब आपको निकालना होता है आपको खाली एक टर्म दिया, यहाँ पर एक पद दिया है एक्स, अब इसका जो गुणांक है वो 1 है देखिए, और यहाँ पे देखिए 1 है, और यदि आपको दे दिया जाए दो पद, मान लीजिए x+y, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का यहाँ पर गुणांक क्या है, 1 और 1 है, और यहाँ पर इसकी घात बाई चांस जब 1 है, तो जब इसकी घात, जब दो पद की घात 1 है तो उस समय आपके पास क्या है, गुणांक केवल 1-1 है, केवल 1-1 है। अब देखिए जैसे आप बढ़ते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे x+y का स्क्वायर निकालना है, अब इसका क्या आएगा, x+y का स्क्वायर क्या आएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे x²+2xy+y², क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इनके गुणांक देखिए आप, यह भी एक हमारी क्या है, बायनोमियल है, यहाँ पर दो पद हैं और दो पदों का हमने स्क्वायर लिया, इनकी जगह पर हमने क्या ले लिया, जो हमारा x+y की पावर n है, n की जगह पर हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया, तो देखिए 2 ले लिया तो दूसरी वाली घात में चले जाइए, पहली वाली घात के लिए है ये, दूसरी वाली घात के लिए है ये, तीसरी वाली घात के लिए, चौथी वाली घात के लिए, वैसे नीचे को जाएंगे
पांचवी छठी सभी घातों के लिए यहाँ पर हमें गुणांक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है और वाई स्क्वायर का भी 1 है और एक्स वाई का 2 है। अब आप यहाँ पर देखिए इनको, पहला गुणांक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए पहला गुणांक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 1 हो गया, अर्थात जो हमारे यहाँ पे इनके अवयव हैं वही इनके भी गुणांक हैं। देखिए अब वैसे ही आपको यदि निकालना है, अब तीसरी वाली घात में चले जाएंगे बाइनोमियल की, एक्स प्लस वाई की पावर जब आप 3 निकालेंगे तब आपको क्या मिलता है, देखिए पहला आपको मिलता है एक्स क्यूब, दूसरा मिलता है आपको 3 एक्स स्क्वायर वाई, फिर मिलता है आपको 3 एक्स वाई स्क्वायर और फिर आपको मिलता है वाई का क्यूब। अब आप फिर से इनको मिलाइए, आपका जो पहला वाला गुणांक है वो 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखिए 1 है और फिर आप 3 मिल रहा है आपको, यहाँ भी देखिए 3 है, फिर आपको 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे फिर से आपको 1 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारे गुणांक यहाँ पे सीधे मैच कर रहे हैं जो भी हमें जिस घात का भी निकालना है। आप देखिए वैसे आपको 4 का निकालना है तो आप 4 का भी निकालेंगे तो आपको सीधे निकल जाएगा। और इससे एक फायदा और है यहाँ पे दोस्तों, देखिए इससे हमें फॉर्मूले सीधे निकल जा रहे हैं, फॉर्मूले में हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपको x प्लस वाई की घात 3 को याद करना है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इसके सीधे बाइनोमियल फॉर्मूले में रख देंगे तो सीधे निकल जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे आपको पता लग गया कि घात 3 के लिए जो कोफिशियंट होते हैं वो 1 3 3 1 होते हैं, तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और इनको आपको समझना होगा पहला एक्स क्यूब आएगा, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई आएगा, तीसरा एक्स वाई स्क्वायर आएगा, चौथा वाई क्यूब आएगा। अब देखिए वैसे हमारे यहाँ पर यदि हम घात 4 के लिए देखेंगे तो वहां पे भी आ जाएगा, यदि हमने देखा यहाँ पे एक्स प्लस वाई की पावर 4 है तो इसको निकालना है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला हमारा 1 है तो हम 1 लिखेंगे और एक्स की पावर 4 प्लस दूसरा वाला हमारा 4 है तो हम 4 लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई वाई आ जाएगा। और वैसे ही नेक्स्ट वाला हम लिखेंगे फिर से 6 आ रहा है, 6 आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर वहां पर 4 आ रहा हमारा, 4 लिखेंगे तो एक्स वाई क्यूब आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पर 1 आ रहा तो वाई की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारा फॉर्मूला इतना इजीली निकल गया। हमें अक्सर कन्फ्यूजन जो होता है हमें इनमें गुणांकों में ही होता है, जो इनके कोफिशियंट है आगे से इनमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप यहाँ पर यदि इसको देखेंगे तो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा। और यदि आप बाइनोमियल से यहाँ पर लगाएंगे तो जैसे बाइनोमियल थ्योरम होने पड़ी थी, एक्स प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू देखिए एन सी 0 था पहला वाला हमारा, 4c 0 आ जाएगा, एन की जगह 4 आ जाएगा, 4c 0 और हमारा यहाँ पर एक्स की पावर 4 माइनस 0 और वाई की पावर 0 आ जाएगा प्लस फिर आ जाएगा 4c 1 और यहाँ पर एक्स की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा और वाई की पावर 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 4c 2 आ जाएगा और एक्स की पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा और y की पावर 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर हमारा 4c 3 आ जाएगा और x की पावर 4 माइनस 3 आ जाएगा और y की पावर 3 आ जाएगा और प्लस नेक्स्ट वाला हमारा 4c 4 आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात एन सी एन वाले फॉर्म में आ गया अभी, और x की पावर 4 माइनस 4 हो गया और y की पावर 4 आ गया देखिए। और इसको भी आप जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनली हमारा आंसर आता है वही 4c 0 की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा और ये हमारा एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4x³y मिलेगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 6x²y² मिलेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 4xy की पावर 3 मिलेगा और जब आप लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर वाई इसकी वैल्यू 4c 4 की वैल्यू देखिए NCN की वैल्यू कभी 1 होती है, यहाँ पर 1 मिल गया आपको फिर से और y की पावर 4 आ गया। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला और हमारा ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आप चाहे बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह लगाएं या फिर पास्कल त्रिभुज की हैंड से यहाँ पर गुणांक निकालें तो आप इसको दोनों तरह कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट आईओ भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर 4 के लिए हमने निकाला, आप निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई की पावर 5 के लिए, 6 के लिए, इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में किसी भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चनों को वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।